कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में देश का हर कर्मचारी और आमजन सजग है, लेकिन पाली के सुमेरपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही आमजन पर भारी पड़ी, जब बिजली कर्मचारी जनता की सुध लेने की जगह शराब के नशे में धुत रहे। दरअसल ये मामला कोसेलाव गांव का है, जहां 4 घंटे से अधिक समय बाद भी बिजली नहीं आई तो लोगों ने JEN से शिकायत की, लेकिन उनसे कोई संतोषजनक जवाब उन्हें नहीं मिला। मौके पर पहुंचे और उसके बाद पता करने पर बिजली विभाग के ठेकेदार के कर्मचारी शराब के नशे में धुत मिले। इसकी सूचना विधायक जोराम कुमावत को दी गई। विधायक कुमावत ने XEN और जिला कलेक्टर से मामले की शिकायत की। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि विभाग के कर्मचारी इतने लापरवाह क्यों हैं और लॉकडाउन के चलते इन लोगों के पास शराब पहुंची तो पहुंची कैसे, ये जांच का विषय है। कोसेलाव GSS में कई बार फोन करने के बाद में भी फोन नहीं उठा रहे, इसलिए मैं GSS पे आया और GSS पर आने पर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ तो जो कर्मचारी है वो कमरे में दारू पिए हुए पड़े हैं और पास में दारू की बोतल पड़ी है। और फिर उसने JEN से फोन पे संपर्क किया, तो JEN साहब ने बताया कि ये तो ठेकेदार के कर्मचारी है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी लगातार प्रयास जारी है।